हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। कल के वीडियो में मैंने कहा था खतरे की घंटी, गैप डाउन, हीरो टू जीरो, सारी चीजें कही थी और बड़ा ही खतरनाक एक्शन होगा। ये भी रात को मैंने बताया था, अमेरिका के बाजार अभी भी 100 पॉइंट नीचे है और अभी और बड़ी गिरावट होने के संकेत दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी भाषा, आप देख रहे हैं गाइस एल्गोरिदम को देख रहे हैं, एल्गो 5G सिग्नल्स को देख रहे हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन टूल को देख रहे हैं। इसने बोल दिया था बेच दो, बड़ी मात्रा में सेलिंग आ सकती है और वो सेलिंग आई और मार्केट को डुबा कर ले गई। 2 दिनों में मात्र और मात्र देख सकते हैं आप 1000 अंकों की गिरावट, तकरीबन 1100 अंकों की गिरावट देखने को सामने मिल रही है। कल के दिन क्या होगा या फिर अगले हफ्ते क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले डिटेलिंग में बात करी थी। आप लोगों को याद होगा कि हमने एक मार्केट में एनालिसिस बताया था, आप लोगों को कहा था मैंने कि यदि बैंक निफ्टी की वन डे चार्ट पर यदि ये लाइन टूट गई तो बड़ा भयंकर तूफान आएगा, और 2 दिनों में वही हुआ। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। ध्यान से देखिए, ये लाइन टूटी और इसके बाद मार्केट में आया क्रैश, और मैंने कहा था इस एरिया में बहुत जल्दी आपको 45,000 का लेवल देखने को मिला। तो उसने 45,000 का लेवल तो बहुत पहले ही कल के दिन ही तोड़ दिया था और आज उसने 45,000 के नंबर को तोड़ते हुए जमीन में घुस चुका है बाजार। अब ये बाजार में आज बहुत बड़ी भयंकर गिरावट आई, इसका एक सबसे बड़ा कारण था। कारण मैं बता देता हूं आपको, बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा बेरिश मार्केट में देख सकते हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, और आईसीआईसी बड़ा सबसे बड़ा वेटेज होल्डर आईसीआईसी बैंक था, और आईसीआईसी बैंक में ही तकरीबन 2.5% की बड़ी गिरावट आ गई। एसबीआई बैंक में 1.5% की गिरावट आ गई, एक्सिस बैंक में 1.5% की आ गई, बजाज फाइनेंस में 1.5% की गिरावट आ गई। और बजाज फाइनेंस पर स्पेशली मैंने वीडियो भी बनाया, बड़ी गिरावट होगी और बड़ी गिरावट हो सकती है। जिन लोगों के पास शेयर है, रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, जिनके पास भी शेयर्स हैं, देख लीजिए सेलिंग का सिग्नल आ चुका है, बोल रहा है बेच दो, प्रॉफिट बुकिंग ले लो नहीं तो होगा नुकसान, बोलना मत। बताया भी था निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहा, देख लीजिए। अब मैंने बोला था बेच दो 1860 पे, और मैंने ऊपरी स्तरों से बोल रहा था बेच दो, कोटक महिंद्रा बैंक भी बड़ी गिरावट दिखा सकता है और वो इतना क्षतिग्रस्त ऑलरेडी हो चुका है। अभी और गिरावट आना बाकी है, क्योंकि 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 मैंने कहा था क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत बड़ी गैपिंग पेंडिंग पड़ी है, गैप अप की, और वो गैपिंग को फिलिंग करना चाहता है। देखिए आज नहीं तो कल ये गैपिंग को फिलिंग होगी और अभी और गिरावट हो सकती है, 1760 1770 तक हो सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस, और निफ्टी प्रेडिक्शंस टुमारो पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी 1 हफ्ते के चार्ट की कैंडल को देखेंगे, और 1 हफ्ते की चार्ट की कैंडल हमको क्या बोलती है, यहाँ पर ये हमको बता रही है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के करीब करीब क्लोजिंग दिखाने की कोशिश करता हुआ मार्केट कुछ 20 मिनट बाद मार्केट बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हल्की सी रिकवरी का मोड भी दिखाई देता, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता। यदि सपोर्ट को तोड़ता है तो और बड़ी गिरावट के संकेत बनते हैं, जो कि नीचे की तरफ बनते हैं और जो कि नंबर्स बनते हैं इस लेवल के लिए, मतलब इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए बनते हैं, जो कि 43,700 के नीचे के बनते हैं, मतलब बिग सेल ऑफ यहाँ तक और देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी कंडीशन पे बात करते हैं, यदि सपोर्ट से रिवर्स ले लिया तो क्या हो सकता है और कल के दिन क्या हो सकता है। देखो एक हल्की सी रिवर्स और एक बाउंस बैक, कल के दिन भी याद होगा कि एंड ऑफ द डे पर बैंक निफ्टी ने एक हल्का सा रिवर्स और बाउंस बैक जरूर लिया था, बट वी डोंट ट्रस्ट हिम, और खुलते से ही मार्केट को उसने क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब वो इस लेवल और रेंज में फंस चुका है। आज एक्सपायरी डे था और दोनों दिनों को मिलाकर तकरीबन 1100 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 5 मिनट के चार्ट पर हमारे पास भारी मात्रा में सेलिंग के सिग्नल थे, सुबह मॉर्निंग में मैंने 12 बजे ही बोल दिया था, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के सामने बोल दिया था कि ये पुट ऑप्शन खरीदना है, और उसके बाद लूट गया मार्केट। देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑप्शन कहाँ गया हमारा, वो पुट ऑप्शन चमत्कार, बोलेंगे बोलेंगे राकेश जी समय पर बता दिया आपने, देख लीजिए 45,000 की पुट ऑप्शन बोली थी मैंने पूरी दुनिया को, 297 रुपीज पर बोली थी खरीदने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं कि मार्केट वहां से 600 अंक नीचे जमीन में घुस गया था। और ये देख लीजिए, 0 to 0 50 रुपए का ऑप्शन 150 रुपए हुआ, 180 हुआ, और ये 300 रुपए का ऑप्शन तकरीबन 500 हुआ, और धमाका देख सकते हैं आप, मतलब 300 रुपए का ऑप्शन देख लीजिए 668 रुपए का हाई लगा के आया है। यदि आप एल्गोरिदम लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो स्पेशली एक ऑफर चल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे बात करते हैं, ऑफर मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
देखिए ये एक स्पेशल ऑफर है, सेल चल रही है, यदि लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये आज आखिरी दिन है वैसे, आज आखिरी दिन है। ओके आगे बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हल्की सी एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है, बट जब तक इस सपोर्ट के करीब करीब देखने को ना मिले मार्केट में, मतलब एक हल्का सा रिकवरी देखने को मिल सकती है 600 के करीब करीब, मार्केट इसी रेंज में कल के दिन भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, हल्की सी एक रिकवरी के साथ साथ बस। और इस रेंज में फिर से एक सेलर की संख्या आती हुई नजर आ सकती है, मतलब 44,740 के करीब करीब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। इसी रेंज के करीब करीब मार्केट अटकने की कोशिश करेगा फिर से, और हो सकता है कि वापस से आपको एक छोटी सी बिकवाली आते हुए नजर आ जाए एंड ऑफ द डे कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी मार्केट में। तो यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और जब तक यहाँ पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बॉटम में ना बने, मतलब 44,400 के करीब करीब, 300 के करीब करीब, वी डोंट ट्रस्ट इन द मार्केट्स, इतनी जल्दी ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मार्केट अभी 2 दिन गिरे हैं, कल का दिन फिर देखते हैं, यदि इसने 44,400 के लेवल को ब्रेक किया, मतलब वहां से 300 अंक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 200 से 300 अंक तकरीबन यहाँ पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में बनते हैं। इस लेवल को टूटता है तो फिर वहां पर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि डे लोअर लेवल पे आ सकता है मार्केट, मतलब 44,700 से लेकर 44,000 और 44,200 तक तकरीबन मार्केट फॉल कर सकता है। बड़ी बात यहाँ पर, यदि 44,000 के नीचे की यदि देखिए क्लोजिंग यदि मिलती है, यदि 44,000 के नीचे की यदि जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी, और उस दिन के बाद फिर मार्केट में और बैड डे शुरू हो जाएंगे, मतलब और बड़ी गिरावट के बारे में जो हम बोल रहे हैं वहां तक आना शुरू हो जाएगा मार्केट के लिए, यहाँ तक हो सकता मार्केट में एक बार शार्प रिकवरी देने की कोशिश। मगर मैंने कहा था, देखो 44,700 के करीब करीब यहाँ पर भी यदि क्लोजिंग मिलती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और इसी रेंज पर ही मार्केट कहीं ना कहीं अटकने की कोशिश कर सकता हुआ नजर आ सकता है, तो हल्का सा यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, इस तरीके का मार्केट हो सकता है। बैंक निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी के बारे में, निफ्टी में डेली चार्ट्स वीकली चार्ट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरे वीकली चार्ट्स। सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के करीब करीब मार्केट अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, बट ये सबसे ज्यादा बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 19,200 के करीब करीब का है। यहाँ पर एक छोटी सी गैपिंग भी पेंडिंग पड़ी हुई है यहाँ पर, और कंडीशन ये है कि मार्केट में ये जिस लेवल पे बंद हो रहा है वहां पर भी एक रिट्रेसमेंट रिजेक्शन ही दिखाई देता है, मतलब 19,300-400 के करीब करीब जो क्लोजिंग दिखा रहा है, ये भी डोंट ट्रस्ट इन मार्केट, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर और हल्की सी सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पर मैं सेलिंग के बारे में ही बातें करूंगा, ओनली सेल ऑन द राइज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। मार्केट में हल्की सी भी यदि मुझे तेजी मिलती है जो कि 19,400 से लेकर 500 के करीब करीब भी हल्की सी भी मिलती है, तो मैं यहाँ पर बेचने के बारे में ही बोलूंगा, और हल्का सा और गिरावट 19,200 तक के लिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग सेशंस में अपने को सेलिंग के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे सेल ऑन द राइज की स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ध्यान से देखिए, सेल ऑन द राइज मैंने कल कहा था, निफ्टी यदि इस लेवल से टकरा के नीचे गिरी तो बड़ी जोर से गिरेगी, और वो गिरी, उसके बाद बड़ी जोर से गिरावट आई भी सही। अब यहाँ पर वही चीज काम कर रही है, सेल ऑन द राइज, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा मार्केट तो हम बेचने के बारे में कोशिश करेंगे, खरीदने के बारे में कोशिश नहीं करेंगे। इंटरनेशनली मार्केट में भी देखा जाए तो यहाँ पर जैकपॉट देखने को मिल रहा है, यूएस का डाउ जोन्स यहाँ पर एक बिकवाली का प्रेशर दिखा रहा है हमको, डेली चार्ट की कैंडल को ब्रेक डाउन करता हुआ तकरीबन इस बॉक्स को तकरीबन ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर एक साइडवेज एक रेंज थी उसी रेंज के आसपास अभी दिखा रहा है, बट ब्रेक जरूर किया है। यदि आज नीचे मिलता है तो कल हो सकता है कि आप लोगों को हल्का सा फ्लैटिश ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, 20 से 50 पॉइंट 100 पॉइंट तकरीबन माइनस भी देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने पुट ऑप्शंस होल्ड किए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा रहेगा ही रहेगा मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं प्रीमियम ऑलरेडी मार्केट्स में चल चुके हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कोई पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन खरीदारी की कोई सलाह नहीं होगी, बीटीएसटी की कोई सलाह नहीं होगी फिलहाल के लिए। थैंक यू, रिक्वेस्ट करता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियोज यदि आप देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, यदि आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट जरूर करना गाइस। थैंक यू।